आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैंने किया है हेयर वॉश, क्योंकि आज है फ्राइडे और सारे कपड़े वॉश हो रहे हैं। कल धूप निकली थी, आज धूप नहीं निकली है और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंड से बचने के लिए मैंने पहनाया ये, और अभी शॉल ओढ़ूंगी और फटाफट से कपड़े तो ड्रायर हो गए एक बार के, ऊपर सुखा जाती हूँ। और ऊपर का मौसम बिल्कुल भी धूप नहीं निकली आज, और काफ़ी कपड़े हैं, अभी कपड़े धुल ही रहे हैं। किचन का सारा काम हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सारे कपड़े धुल चुके हैं, आधे मैंने सुखा दिए और आधे रखे हुए वहाँ रखे हैं जीने पे, तो आधे मैं सुखाऊंगी। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप का तो नामो निशान है ही नहीं, तो चलिए फटाफट से सुखा लेते हैं कपड़े। मेरे बाल भी सूख गए हैं, फटाफट से हम कपड़े सुखा लेते हैं। खाना मैंने खा लिया है, सारा काम ख़त्म हो गया है, और अब थोड़ी देर रेस्ट करके मैं करूँगी सिलाई, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सिलाई नहीं की है, क्योंकि ठंड बहुत है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इस वजह से मैंने सिलाई नहीं की। तो अब मैं करूँगी सिलाई और कपड़े सुखा दूँ, गुड्डू देख रहा है टीवी, तो चलिए चलते हैं। पहले कपड़े सुखा लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे, ठीक है? तो आप देखते रहिए ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सर्दियों में जितना सोचो ना कपड़े कम धोए लेकिन उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं क्या बता रही थी आपको, मैं भूल गई, क्योंकि वीडियो हो रही है काफ़ी दिन बाद एडिट, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और घर में गेस्ट आ गए थे, तो इस वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आगे क्या होता है गेस्ट किया। और ठंड आज बहुत ज़्यादा है, तो आज काफ़ी दिन से ये सूट पड़ा हुआ था सिलने के लिए, सोची थी कॉलर वाला, लेकिन कॉलर वाला नहीं बना रही मैं, सिंपल राउंड नेक बनाऊँगी। फ्रंट नेक बन चुका है, बैक नेक बनाना है और वो छोटा ही बनाऊंगी मैं, 4 या 5 इंच का। तो फटाफट से कर लेते हैं सिलाई, और गुड्डू पर टीवी देख रहा है, तो चलिए करते हैं अपनी सिलाई। सर्दियों में ना मशीन पर सिलाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं, लेकिन नई कटिंग हुए रखे हैं कपड़े, तो सोचा चलो सिलाई कर ही देते हैं, गर्म सूट सर्दियों में पहनने के काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं फिटिंग के निशान, और फिटिंग के निशान लगाने के बाद मुझे लगानी है स्लीव। तो फटाफट से स्लीव वगैरह लगाने के बाद हमने इसकी जो नीचे की मुड़ाई है ना वो हमने करनी है, तो पूरा सूट तैयार जाएगा। फ्रेंड्स अब बन रहे हैं मटर, आलू गोभी डाल के चावल, और जितनी मटर छील दूँ उतनी गुड्डू खाए जा रहा है, ज्यादा रहा छिलवा तो देंगे, सारी बिखेर दी सारे में, मटर 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 फैला दी इसने, ये भी फैलाई है मटर भी इसी में, देखो सारी फैला दी, आपने भी आई है? हाँ मैंने फैलाई, मैं तो मटर से खेल रही हूँ ना, है ना, ये आपने फैलाई थी? हाँ मेरा नाम लगा दे, सारी मटर फैला दी, मटर छील लेती हूँ, आलू छील लेती हूँ, फिर बनाएंगे चावल, नमकीन चावल बनाएंगे आज, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, ब्लॉग देखते रहिए। तो जी सारी तैयारी हो गई है, मैंने गोभी आलू मटर सब काट के रख दिए हैं, ये रहे सारी सब्जियाँ, ठीक है, और चावल और सारे टमाटर चुन चुन के खा लिया, फटाफट से छोंक लेते हैं टमाटर डालेंगे और मसाले डालेंगे, पर हम बना लेंगे सिंपल से लेमन राइस। और सच में गुड्डू मतलब अगर उसे मटर छिली हुई मिल जाए ना तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, इसलिए मटर साथ के साथ ही छीलती हूँ, रखती हूँ छील के, क्योंकि फिर अगर छील के रख दूँ ना तो फ्रिज में मटर बचती ही नहीं है, वो पहले ही सब्ज़ी से पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत शौक है मटर खाने का इन्हें। तो चलिए ये तो बातें होती रहेंगी, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर फटाफट से हम बना लेते हैं लेमन राइस,
और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कैसे बनाते हैं, खड़े मसाले डालते हैं या नहीं डालते रेगुलर। तो मैं खड़े मसाले नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और ये सिंपल से मसाले डालती हूँ और बस बना लेती हूँ अपनी सब्ज़ी चावल वगैरह जो भी बनाती हूँ वो बना लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया। तो सीटी लगने के बाद हमारे चावल हो चुके हैं बनके रेडी। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।